हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो आज ना हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम मैं लिख देता हूँ। इसका नेम है सेंटेंस कनेक्टर्स। तो दोस्तों, ये सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होता है? तो सेंटेंस कनेक्टर्स जानने से पहले ना आप जानो कि ये कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ये दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं यहां पे कि राहुल एंड मदन आर गुड फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे कनेक्टर कहाँ है। यहाँ पे हमारा जो कनेक्टर है, ओ ये तो गिर गया, सॉरी, यहाँ पे जो कनेक्टर है वो हमारा क्या है? एंड। ठीक है, ये जो एंड है ना वो क्या कर रहा है? इस राहुल वर्ड और इस मदन वर्ड को यहाँ पे जोड़ रहा है। चलो एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आई वॉज सिंगिंग एंड माई सिस्टर वॉज डांसिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गाना गा रहा था और मेरी सिस्टर जो है वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो यहाँ पे देखो, आई वॉज सिंगिंग एक सेंटेंस है, माई सिस्टर वॉज डांसिंग दो सेंटेंस है, और इसको यहाँ पे एंड क्या किया? जोड़ दिया। तो एक सेंटेंस कनेक्टर बोलो, कंजंक्शन बोलो, तो बेसिकली सेंटेंस कनेक्टर होता क्या है? सेंटेंस कनेक्टर कंजंक्शंस का ही पार्ट होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, बस और कुछ नहीं। सेंटेंस कनेक्टर का काम है दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दूँ, तो मैं डेफिनेशन के तौर पे क्या लिख सकता हूँ कि सेंटेंस कनेक्टर्स आर दी कंजंक्शंस विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंस कनेक्टर क्या है? सेंटेंस कनेक्टर वो कंजंक्शंस हैं जो क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ कुछ सेंटेंस कनेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा हो गया एज, एज के बारे में पढ़ेंगे, सिंस के बारे में पढ़ेंगे, ये बिकॉज क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड हो गया, वेन हो गया, वाइल हो गया, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा अनटिल हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, और भी बहुत सारे। तो ये सारे के सारे हमारे बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, जिसको पढ़ने में हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम अच्छे से इसका यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग तीन चीज़ों के बारे पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा एज, दूसरा हो गया सिंस, और तीसरा हो गया बिकॉज। और इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ जब करते हैं इन तीनों का वो होता है क्योंकि। लेकिन क्योंकि के अलावा भी इसके कुछ यूजेस हैं जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूज़ एज का होता है जैसा या जैसा कि। तो एग्जाम्पल, डू एज आई से, तो ये देखो यहाँ पे एज हमारा लग गया, तो डू मतलब करो, एज आई से जैसा कि मैं कहता हूँ तो करो जैसा कि मैं कहता हूँ, या फिर जैसा कि मैं कहता हूँ करो। नेक्स्ट, ही डिड सो, उसने ऐसा किया। ठीक है, उसने ऐसा किया। सो एज वी वांटेड, जैसा कि हम चाहते थे, तो उसने वैसा ही किया जैसा कि हम चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एज का जो सेकेंड यूज होता है वो होता है चूंकि या क्योंकि। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई काम को करने या नहीं करने के पीछे जो रीजन था, उस रीजन को उठाकर आपको सेंटेंस के शुरू में डालना हो, तब आप वहां पे एज का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि एज आई हैड नो मनी आई कुडंट बाई द बुक, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मैं उस बुक को नहीं खरीद सका। ठीक है, तो भाई आपने बुक को क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। तो जो आपका रीजन है ना, उस रीजन को उठा के आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट में डाल रहे हो। चलो एक और देखते हैं, एज आई कांट डांस आई कैन नॉट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं जा सकते? रीजन क्या है? क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता। मान लो कोई पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जिसको डांस आता है वही जाएगा, तो भाई हमको तो डांस आता नहीं है।
तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं? तो रीजन मैंने बता दिया कि आपके साथ नहीं जाने के पीछे का रीजन क्या है, वो है कि मुझे डांस नहीं आता, तो इस रीजन को हमने उठाकर शुरू में डाल दिया। ठीक है, लास्ट अगर आपको रीजन को उठाकर बाद में डालना हो तब क्या करोगे, अब बीच में एज का यूज करोगे। कैसे? देखो, आई कांट ज्वाइन यू, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता एज, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट माई होम, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा काम है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेंटेंस था ना, इस सेंटेंस को भी आप ऐसे लिख सकते थे कि आई कुडंट बाई द बुक एज आई हैड नो मनी। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि जब भी आप एज का यूज़ शुरू में कर रहे हो तो यहाँ पे कॉमा जरूर डालना, लेकिन जब एज का यूज़ बीच में कर रहे हो तो वहाँ पे कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग दूसरा कनेक्टर देखते हैं हमारा, सिंस। तो सिंस का हमारा पहला यूज़ होता है चूंकि या क्योंकि। तो जिस तरीके से हमारा ये एज भैया काम करता है ना चूंकि एंड क्योंकि में, इन द सिमिलर वे हमारा सिंस काम करता है। दैट मीन्स कि जब हमको रीज़न शुरू में ही पुट कर देना हो तब वहाँ पे हम एज भी लगा सकते हैं और एज के जगह पे हम सिंस भी लगा सकते हैं। चलो देख लेते हैं। सिंस आई हैड नो एक्सक्यूज आई हैड टू गो देयर, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं था इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। था ना सिंपल, कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं। सिंस दे हैव मच मनी, सॉरी यहाँ पे होगा मनी, मच मनी, दे कैन बाई एनी थिंग दे वांट। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसा है इसीलिए वे लोग जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि एज का यूज़ हम शुरू में करते हैं तो कॉमा देना पड़ता है, वैसे ही सिंस का यूज़ जब हम शुरू में करेंगे तो हमको वहाँ पे बीच में कॉमा देना पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंस के साथ यहाँ पे वेन लगा देते हैं, कुछ और कनेक्टर जोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, नेक्स्ट। जब से, वाओ बहुत अच्छा है, जब से, जैसे कि आई हैवंट सीन हिम सिंस आई लास्ट मेट हिम, यानी जब से मैं उससे आखिरी बार मिला तब से अभी तक मैं उसे मिला नहीं हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है, कुछ ऐसा वाला सेंस आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैजंट टर्न्ड इवन अ सिंगल पेज ऑफ हिज बुक सिंस द स्कूल्स क्लोज्ड। स्कूल तो क्लोज हो गया, ठीक है, सबको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो स्कूल क्लोज होने के बाद मजा ले उसकी कि वो उठाकर अपना बुक देख ले, पढ़ ले, थोड़ा सा तो पढ़ ले, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब से स्कूल्स बंद हुए हैं तब से उसने ना एक पेज भी खोल के नहीं देखा, तब से एक पेज भी खोल के नहीं देखा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो चलो हम लोग सबसे लास्ट वाला देखते हैं, अपना प्यारा सा बिकॉज कनेक्टर जो आप पता नहीं कितने सदियों से यूज़ करते आ रहे हो। जैसे कि आई कांट बाई दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता, रीज़न क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आगे देखते हैं। सी कांट गो टूडे बिकॉज हर मदर इज इल एट होम, वो आज नहीं जा सकती क्योंकि उसकी मॉम जो है वो आज घर पे बीमार है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी आपको रीज़न शुरू में बताना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप एज और सिंस का यूज़ करना, और जब आपको रीज़न बीच में बताना हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बिकॉज एंड एज का यूज़ करना। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स के रूप में मैं आपको तुरंत बताता हूं। तो दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना प्रॉपर तरीके से एक मैंने दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे देर हो रही है इसलिए मैं घर जाना चाहता हूं, और दूसरा सेंटेंस है मैं घर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे देर हो रही है। तो भाई इसमें हमारा रीज़न कौन सा, सबसे पहले देखो तो मुझे देर हो रही है इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना वो यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, रीज़न शो कर रहा है, और इसमें क्योंकि मुझे देर हो रही है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रीज़न शो कर रहा है। तो हम अच्छे से इस हिंदी वाले सेंटेंस से देख सकते हैं कि शुरू में हमारा रीज़न आ रहा है और यहाँ पे रीज़न हमारा बाद में आ रहा है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले रीज़न शुरू में है तो हम क्या लिखेंगे, एज I am getting late। फिर यहाँ पे हम कॉमा देंगे, और इसलिए का कोई भी इंग्लिश हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, I want to go to, sorry go to नहीं होगा, go home। ठीक है, तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे और सेम सेंटेंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे, getting late, I want to गो होम। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे देर हो रही है
बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ मैंने बिकॉज लगाया ना, यहाँ पे मैं एज लगा के भी सेंटेंस बना सकता हूँ। तब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गो होम एज आई एम गेटिंग लेट। तो यहाँ पे एज का अधिकतर यूज ना हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल वे में करते हैं। जब भी हमको फॉर्मेलिटी शो करना होता है ना सेंटेंस में, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, एज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा पार्ट दे दिया है। एक चीज़ तो आप अपने माइंड में, माइंड का दरवाजा होता है ना, उसको खोल के अंदर डाल लो कि बिकॉज से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता। ठीक है ना, बिकॉज कभी सेंटेंस के शुरू में नहीं आता और सिंस कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आता, जब इसका मतलब क्योंकि होता है। तो यहाँ पे देखो सिंस और एज, इन दोनों का यूज़ हम शुरू में करते हैं रीज़न बताने के लिए, ठीक है, और एज और बिकॉज का यूज़ करते हैं हम रीज़न बताने के लिए जब हम सेंटेंस के बाद में यूज़ करते हैं। तो देखो हमारा शुरू में सिंस आया लेकिन बीच में सिंस नहीं आया, और शुरू में यहाँ पे बीच में बिकॉज आया तो बीच में हमारा यहाँ पे सिंस नहीं आया। तो इस चीज़ का एज, सिंस एंड बिकॉज में आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखना है। ठीक है, आई होप कि एज, सिंस एंड बिकॉज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे कनेक्टर पे। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो कनेक्टर है वो है सो दैट, बट, एंड, टिल, अंटिल, अनलेस। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा कनेक्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सो दैट। सो दैट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सो दैट का मतलब होता है ताकि। गाना तो आपने सुना ही होगा ना, ताकि, आगे नहीं बोलूंगा। तो ताकि, जैसे कि ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे हम जब भी सो डैट का यूज़ करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई एक पर्पस होता है, और जब भी हम पर्पस को शो करते हैं तो वहाँ पे हमको मे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कैन वैन मत लगा कर बैठ जाना, मे का यूज़ करना जब भी आप सो डैट लगा रहे हो। ठीक है, तो वो कठिन परिश्रम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, बस। I come here every day so that I may teach you something new. मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ, रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, कि मैं आपको कुछ नया सिखा सकूँ। ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ नया सिखाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट हमारा कनेक्टर है बट। बट के बारे में आपको तो पता ही है, बट हमें क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब उल्टा, जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। ठीक है, बट आई कांट गिव यू, लेकिन मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, बहुत पैसा है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ ऐसा। शी वॉन्ट्स टू परचेज अ न्यू फोन, उसको एक नया फोन परचेज करना है, वो चाहती है एक नया फोन परचेज करना। लेकिन, किंतु, परंतु, आ गया जहां भी लेकिन, किंतु, परंतु, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, ओहो, ये तो क्योंकि आ गया, जबकि यहां पर होगा लेकिन। ठीक है, लेकिन बोलो, किंतु बोलो, परंतु बोलो, जो आपको मन है बोलने का आप वो बोल दो, सॉरी फॉर डैट, लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी बोल दो, वहाँ पे आ जाएगा आपका बट। मुझे वहाँ पे जाना है लेकिन, जहाँ लेकिन लग गया समझ जाओ वो डाउटफुल इंसान है भाई, वो आपका काम पूरा नहीं करने वाला। ठीक है, तो वही यहाँ पे कुछ बोला है कि उसको एक, वो एक नया फ़ोन खरीदना तो चाहती है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग एंड के बारे। एंड का मतलब होता है और इसे कौन नहीं जानता, इसे तो सब कोई जानता है। आई वॉन्ट टू गो टू न्यू दिल्ली एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो दोस्तों क्या आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया, और वो ट्रिक क्या है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। इधर आओ, ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब भी एक ही सब्जेक्ट आपका दो दो काम करता है सेंटेंस में, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट जब दो दो काम करता है तो एंड के बाद दोबारा वो सब्जेक्ट को मत लिखना। जैसे कि मेरे पापा आए और मुझे एक थप्पड़ लगा दिए, तो पापा आए तो आने का काम किसने किया, पापा ने, मुझे थप्पड़ लगाने का काम किसने किया, पापा ने। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे माई फादर केम एंड माई फादर इज स्लैप्ड मी, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे माई फादर केम एंड स्लैप्ड मी। तो वैसे ही दिल्ली जाना कौन चाहता है, मैं, दिल्ली की ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर कौन करना चाहता है, मैं। तो दोनों सब्जेक्ट हमारा सेम है, ठीक है, और वहाँ पे टेंस भी हमारा सेम ही है, इसीलिए वहाँ पे हम एंड के बाद दोबारा आई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बोनस टिप था आपके लिए। नेक्स्ट, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, कहना और करना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
एक ही बात नहीं है कि भाई कर दो और बस बोल दो और कर दो। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, डेट इज टिल, अनटिल एंड अनलेस। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त आप लोग, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे हमें टिल लगाना है, कहाँ अनटिल लगाना है, कहाँ अनलेस लगाना है। तो एक चीज जान लो, जहाँ भी आप टाइम शो कर रहे हो, जहाँ भी सेंटेंस में टाइम शो हो रहा है वहाँ पे हम टिल एंड अनटिल लगाएंगे। और जहाँ भी कोई कंडीशन शो हो रहा है, तो दोस्त यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कोई आपको शर्त शो हो रहा होगा तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, अनलेस। तो देखता हूँ आप बना सकते हो कि नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे डोंट्स है एंड डूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट यूज नेगेटिव सेंटेंसेस विद टिल अनटिल अनलेस। तो जब भी आप टिल अनटिल अनलेस लगाओगे ना, उसके बाद वाला, जस्ट उसके बाद वाला सेंटेंस जो उसमें लगा हुआ हो, अटैच हो, वो सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टिल अनटिल अनलेस ऑलरेडी हमको नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मतलब होता है जब तक कि ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यूज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस विद आफ्टर टिल अनटिल अनलेस। तो जब भी आप टिल अनटिल अनलेस लगाओगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट ही लगाना है, आप फ्यूचर टेंस यूज मत करना। सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना कि सिंपल फ्यूचर टेंस को ना कह दो, जहां भी सिंपल फ्यूचर टेंस आपको दिखेगा वहां पे उसको काट देना। तो चलो मैं पुटअप करता हूं, आई होप कि आप समझ जाओगे। जैसे कि वेट हेयर टिल आई रिटर्न, तो भाई मैंने आपको वेट करने के लिए कहा, मैंने कहा कि रुको यहां पर जब तक कि ना मैं वापस आऊं, तो मैं जाऊंगा, मैं वहां से आऊंगा, मुझे कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। डेट मीन्स मैं यहां पे टाइम शो कर रहा हूं, तो टाइम के लिए हम टिल भी लगा सकते हैं, अनटिल भी लगा सकते हैं। तो मैं चलो यहां पे अनटिल लगा दिया, ठीक है। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, टिल अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। वी हैव टू स्टे हेयर, हमें यहां पे रुकना होगा, ठहरना होगा, डैश द रेन स्टॉप्स, तो जब तक कि ना रेन स्टॉप हो जाए। तो भाई रेन का स्टॉप होना, इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो जब भी टाइम होगा वहां पे हमें क्या करना है, टिल अनटिल लगाना है। तो चलो यहां पे मैं टिल लगा दिया। ये मत सोचना भाई यहां पे टिल यहां पे अनटिल लगा तो दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यू कांट पास डैश यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं कर सकते जब तक कि ना तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो भाई यहां पे कोई टाइम नहीं है, यहां पे एक शर्त दे दिया मैंने कि तुम तभी पास होगे जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, अनलेस। तो जब भी कहां कहीं भी आपका कंडीशन शो होता है, वहां पे आपका टाइम ना शो होकर बल्कि शर्त शो होने लगता है, वहां पे आप क्या करोगे, अनलेस का यूज करोगे। चलो एक और सेंटेंस देखता हूं, डैश यू हेल्प मी आई वॉन्ट हेल्प यू, ठीक है। जब तक कि ना तुम मुझे मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो भाई समझ रहे हो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि शर्त दे दिया कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस, ठीक है। तो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज का ये कनेक्टर का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, जो आपको क्या करना है, फिलअप करना है प्रैक्टिस के लिए कि आपने सच में इनमें से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। आप उसको बनाओ, ट्राई करो, और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, और साथ साथ में जाते जाते सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, ताकि मुझे थोड़ी सी राहत मिले। और इस वीडियो का जो पार्ट टू है ना, वो भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। एंड टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टिंग।